शान फिल्म स्टार की बात, शान फिल्म स्टार शान शाहिद जो फिल्मी एक्टर है, मैं कैसे मान लूं कि आप उसकी बीवी हो? मैं इसलिए बोलती हूं कि शान साहब थोड़ी सी गैरत करे। मुझे पापा का नाम क्या है? शान शाहिद फिल्म स्टार। शान शाहिद फिल्म स्टार, बच्चों को भी सिखाया हुआ तुमने? बच्चा जब उसकी गोद में खेलता था उसको तो पता है वो उसका बेटा। मुझे शान साहब ले गया था अमेरिका इलाज कराने के लिए। तुम्हें अमेरिका ले गया था? जी शान अमेरिका ले गया। शान ले गया था अमेरिका। आप तो सरासर गलत इल्जाम पे इल्जाम लगा रही हो। अगर तुम्हें बुलवा लिया हाई कोर्ट, फिर कह रहा हूँ वहाँ पे तुम्हें सजा भी हो सकती है अगर तुम्हें झूठी साबित हुई तो। टेंशन नहीं है मुझे, सारी जिंदगी फिर जेल में रहोगी? टेंशन नहीं है, झूठा होता है जो उसको खतरा होता है। आ जाए अदालत में देखती हूँ कैसे मेरे सामने बोलता है। इसकी मैं बोलती बंद कर दूंगी शान साहब की, जो कहते हो बड़ा फिल्मी हीरो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं लाहौर 42। नाज़रीन इस वक्त जो मेरे साथ आपको खातून नजर आ रही हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हैं और अपने आप को शान की बीवी होने का दावा करती हैं। अब वो फिल्म स्टार और ये उनका उनकी बीवी होने का दावा करती हैं। अब इनसे बात करते हैं, बच्चों को लेकर ये घूम रही हैं और इनकी बहुत ज्यादा वीडियो वायरल भी हुई है। अब इनसे बात भी करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शबनम बीबी। शबनम बीबी, आप शान की बीवी होने का दावा कर रही हो, वो फिल्म स्टार, क्यों ये दावा कर रही हो आप? भैया मैं शान की बीवी हूँ इसलिए दावा कर रही हूँ, उसके हक निकाह में हूँ इस वक्त भी। मैं दावा इसलिए करती हूँ शान साहब मुझे छोटा शान सा... शान फिल्म स्टार की बात, शान फिल्म स्टार शान शाहिद जो फिल्मी एक्टर है, मैं कैसे मान लूं कि आप उसकी बीवी हो? मैं इसलिए बोलती हूँ कि शान साहब थोड़ी सी गैरत करे, मुझे रहने की जगह। मेरी बात सुनो ना, मैं कैसे मान लूं कि प्रूफ है आपके पास? मैं प्रूफ कैसे रखूं अपने पास, जब फुटबॉल पे बैठी हूँ, नशाई भगाई कोई मुझसे छीन ले तो वो मेरे हाथ से तो गया। तो फजूल में इल्जाम लगा रही हूँ, इतना बड़ा फिल्म स्टार है और फजूल में आप इल्जाम लगा रही हूँ उस पर? भैया मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं उसके कैसे पली हुई हूँ, उसी ने मुझे अपने हाथों से पाला है, पढ़ाया लिखाया है, तरबियत दी है। आज वो उसका दिमाग पुठा हो गया है। आज उसका दिमाग इसलिए पुठा चलता है कि वो कहता है जो मैं काम करता हूँ उससे तुम। मुझे तो आपका लग रहा है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, पागल तो नहीं हूँ? ज़हनी तो ठीक है मेरा, ज़हनी तवाज़ुन ठीक है। फिर मैं कैसे मान लूँ ना तुम्हारे पास कोई यानी कि निकाह नाम है? आईडी कार्ड किधर है? आईडी कार्ड शाम के पास है, पासपोर्ट भी बना हुआ है मेरा। निकाह कोई चीज नहीं है? निकाह नामा मेरा अदालती है। किधर है? शान के पास है सब। शान के पास क्या कर रहे है तुम? उसकी बीवी मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ कहाँ पे। शान की बीवी होने का दावा, अगर मैं झूठी होती इतनी मेरी वीडियो रिलीज हो चुकी है, शान ने नहीं देखी बाकी आवाम देख चुकी है, तो शान की इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे साथ आके बात करता कि तुम मेरे ऊपर झूठा इल्जाम किस वजह से लगा रही हो, तुम मेरी बीवी हो ही नहीं। शान साहब कितनी दूर बैठा हुआ है, मैं कैसे मान लूं? मुझे आपको प्रूफ दे ना ताकि मुझे पता हो। आपको पता है कि अगर वो ये वीडियो देख रहे तो वो तो आप पे एक्शन लेंगे, वो कोर्ट में जाकर केस कर दें तो फिर वहाँ पे आप क्लैरिटी उनको सर्टिफाई कर लोगी? शान आया भाई मुझे कोर्ट में ले जाए, जहाँ तक ले जाए मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। शान झूठा है, शान शर्मिंदगा है। कैसे जस्टिफाई करोगी अपने आप को? तुम्हारे पास तो प्रूफ ही नहीं है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन शान साहब के पास सब प्रूफ है। शान साहब आके मेरे साथ बात क्यों नहीं करता, बोलता क्यों नहीं? आई कहाँ से? मैं डेरा गाजी खा रहती थी, वहाँ से इधर उसको ढूंढने के लिए आई हो? नहीं, शान ने खुद बुलवाया है, खुद लेके आया है। अब जिस पहले मुझे भेज दिया था शान साहब ने, रमजान शरीफ में जिस दिन मैं आई हूँ शान साहब खुद मुझे लेके आया है। जब मैं घर से बाहर निकली हूँ, रक्षे पे बैठी हूँ, अड्डे पे पहुंची हूँ, शान साहब वहीं मौजूद है। मैं रक्षे पे नहीं उतरी, शान साहब पहले आ गए, उसने इसका हाथ पकड़ा, मेरा टैची उठाया, हाईएस में रखा और मुल्तान से वही लेके आया। शान साहब खुद मुझे लेके आया है, कहता है 7 माह पूरे कर लो। 7 माह मैंने पूरे कर लिए हैं, उसने जो शर्त लगाई थी। तो मैं झूठ बोलती तो शान साहब कब का मुझे अंदर ही करवा चुके होते, वो तो इतनी सी बात भी बर्दाश्त नहीं करता अपने खिलाफ। तो लगता है तुम मेंटल हो, तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, नशा वगैरह करती हो और तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है वो उस पर इल्जाम लगा रही हो। नशा मैंने कभी किया नहीं है, जब मुझे मारा पीटा था तब मुझे नशे के टीके भी लगाए थे, नशे की इतनी सी बड़ी बोतल थी वो भी पिलाई थी, कमर में टीका लगाया था, वही जो डेरा गाजी खान जिस औरत के घर रहती थी वही मुझे, मोची थे और चांजो थे, उन सब ने मुझे मारा था, मेरी कमर भी तोड़ी थी, हड्डियां ही तोड़ी थी। तो तब मुझे मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया था, तब मुझे शान साहब ले गया था अमेरिका इलाज कराने के लिए।
तुम्हें अमेरिका ले गया था जी, शान अमेरिका ले, शान ले गया था अमेरिका। आप तो सरासर गलत इल्जाम पे इल्जाम लगा रही। जो कुछ उसने मेरे साथ भला किया है वो भी बता रही हूँ, आप घर नहीं लेके जा रहा वो तो बता रही हूँ। तो तुम उसके घर चले जाओ ना, वहाँ पे जाओ, अगर तुम सच्ची हो तो उनके घर पे चले जाओ। घर क्यों नहीं जाती आप, घर किधर है उसका? घर गोलबर्ग 3 है, यहाँ चिड़िया घर के पास बड़ा बंगला है, वहाँ बच्चे रहते हैं, गोलबर्ग 3 वहाँ इसकी जो दूसरी बेगम है वो है। तो और बीवी है मीना शाह है। हाँ, वो तो उसकी बीवी वो है, देखी हुई है मेरी। तो फिर आप क्यों कह रही हो मेरा शोहर है? तो मेरा शोहर है, मेरे साथ निकाह किया है। किधर है निकाह नामा, किधर है? शान के पास है। ये बच्चा कौन है, छोटा सा बच्चा भी साथ लेके फिर रही हूँ? पूछो इससे, बताओ कौन हो? अली अकबर। अली अकबर, अपने बाबा का नाम बताओ। बाबा का नाम क्या है? शान शाहिद फिल्म स्टार। शान शाहिद फिल्म स्टार, बच्चों को भी सिखाया होगा तुमने? बच्चा जब उसकी गोद में खेलता था उसको तो पता है वो उसका बेटा है। ये बहुत बड़ा दावा कर रही हो तुम, और ये तुम बगैर प्रूफ के इतनी बड़ी बात कर रही हो। ये एक बच्चा नहीं है शान के पास, मैं तो 6 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं शान की। वो किधर है? मेरे बच्चे चिड़िया घर के पास बंगला है, वहीं रहते हैं, मीना शाह गोलबर्ग रहती है। बच्चे आप ही किधर रहते हैं? मेरे बच्चे बंगले में रहते हैं। बंगले में रहते हैं, तो आप फुटपाथ पे क्या कर रही हो? अब शाम के साथ मुतालबा चल रहा है मेरा। मैं कहती हूँ ये और तो कुछ ये तुम ये करते हो ये कल काम को अगर तुम्हें बुलवा लिया हाई कोर्ट, फिर कह रहा हूँ वहाँ पे तुम्हें सजा भी हो सकती है अगर तुम झूठी साबित हुई तो। टेंशन नहीं है मुझे, सारी जिंदगी फिर जेल में रहोगी? टेंशन नहीं है, झूठा होता है जो उसको खतरा होता है, मुझे कोई खतरा टेंशन नहीं है। नहीं है शान साहब सामने आ जाए सब कुछ इसका खोल के रख दूंगी, क्या करता है ये तो फिल्मों में बड़े बड़े स्टाइल मारता है, सब दुनिया कहते हैं कि शान साहब से बड़ा अच्छा आदमी कोई नहीं है। तो 7 माह हो गए, बीवी फोटबाज पे, बच्चा मासूम फोटबाज पे है, अब शान साहब की गैरत कहाँ गई है? आ जाए अदालत में, देखती हूँ कैसे मेरे सामने बोलता है। इसकी मैं बोलती बंद कर दूंगी शान साहब की, जो कहते हो बड़ा फिल्मी हीरो है। आप तो चले गई थी पीछे, एक औरत आई थी आपको लेके चले गई थी उसी के पास, नीलों की बेटी ने बेचा था, करीम खतून उसका नाम है, उसका बड़ा भाई गुलाम सरवर था, उसके भाई का साला था रहीम बश्क, इन तीनों ने खरीदा था। इसी औरत के पास मैं हमेशा रहती हूँ। अच्छा जी, शान साहब इसी औरत के घर आता था। अब ये फिल्म स्टार शान जो है उसकी बीवी होने का दावा कर रही है और कह रही है कि वो मेरा शोहर है, लेकिन माजी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्कैंडल सामने आ चुके हैं, यानी कि ऐसी लड़कियों ने फेम लेने के लिए जो है, यानी कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनको बदनाम करने के लिए आ जाती हैं। कहीं बदनाम तो नहीं करने आ गई फेम लेने के लिए? भैया अब मुझे गुस्सा इस बात पे आया है, शान साहब ने मुझे बहुत तंग किया है, इसने हमेशा उसी औरत के पास ही मुझे। आप इल्जाम लगा रही हो कि प्रूफ नहीं है आपके पास? कल्ले मकान मुझे नहीं दिया, ना ही शान साहब ने मेरा हक दिया है मुझे, कहता है हाँ मेरे पास कुछ नहीं है, वो मुझे तंग करते हैं, इसीलिए इसने बहुत मुझे तंग किया, इसीलिए आज मैं बोलने पे मजबूर हो गई हूँ। मैं कैसे मान लूँ, ना आपके पास निकाह है, ना आपके पास आईडी कार्ड है, कुछ चीज नहीं है, आप सिर्फ इल्जाम लगा रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ शान साहब को थोड़ी सी भी गैरत है, यही पैगाम देना चाहती हूँ, थोड़ी सी भी गैरत है, जितना फिल्मों में स्टाइल मारता है ना, इतनी सी गैरत ले के दिल में मेरे सामने आके बात कर ले, सब मीडिया वाला के सामने बोलूंगी शान साहब की कितनी गैरत है, कितनी औकात है। नाज़िम ये आप हालात हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से अब इसके बकौल अब ये इल्ज़ाम लगा रही है। अब इल्ज़ाम है क्या हकीकत है ये तो अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। अगर शान साहब यानी कि उनकी बीवी होने का दावा कर रही है, अगर वो इसको नहीं जानते तो आए आगे जो है ना क्लैरिफाई करें और इस क्लैरिटी दें इसके बाले हवाले से। अगर ये झूठ बोल रही है तो इसको सजा दिलवाएं, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगा रही है, सरासर इल्ज़ाम लगा रही है। पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हुए हैं कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं, जो यानी कि सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको बदनाम करने के लिए स्कैंडल्स आए हैं और उनको बदनाम करने के लिए बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हुए हैं और ऐसी औरतें जो हैं उनको आगे बदनाम करती हैं, शायद यह भी उसी का एक पार्ट हो। तो नाज़रीन ये वीडियो आपको दिखाना बहुत जरूरी है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा, अपने मेज़बान नई बड्डी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाहौर 42।